फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में। तो दोस्तों देखिए, 127.75 की क्लोजिंग दी है शेयर ने, 80 पैसे शेयर बढ़ा है, 0.63% शेयर में आपको देखिए आज अप मूवमेंट देखने को मिला है। दोस्तों, तो इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि यहाँ से क्या तेज़ी और बढ़ सकती है कि गिरावट आएगी, उसके लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों देखिए, टाटा मोटर्स में आज 130 का हाई बनाया था शेयर ने, और देखिए उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी शेयर के अंदर, और अब देखिए आज 127.75 पे क्लोजिंग दी है। अब देखिए थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे शेयर में बढ़ती जा रही थी देखिए, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि देखिए 127 जो उसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसके आसपास ही शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे नहीं जा रहा है। अब देखिए शेयर में अगर हम देखें तो देखिए आज भी तेज़ी देखने को मिल रही थी सुबह सुबह, लेकिन देखिए तो उसके बाद जो थोड़ा सा मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिला था उसके कारण यहाँ पे गिरावट आई थी। उसके बाद देखिए उसके बाद वापस से शेयर रिकवर हुआ, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे कोई ज़्यादा खास तेज़ी देखने को नहीं मिली है टाटा मोटर्स में। बट दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ पे एक सही टाइम हो सकता है यहाँ पे आप बाइंग करने का। अब देखिए टाटा मोटर्स की बात करें तो देखिए सुबह काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, ये कल का चार्ट है, माफ़ कीजिएगा, देखिए आज सुबह अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी, और देखिए उसके बाद से थोड़ी सी गिरावट आई शेयर के अंदर। बट यहाँ पे मुझे लगता है दोस्तों देखिए रैली दिखाएगा ये सेक्टर, देखिए काफ़ी ज़्यादा अभी कह सकते हैं आप नीचे चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों आप होल्ड करिए इसको। मुझे लगता है दोस्तों कि दिवाली तक भी शेयर के अंदर आपको 150 के लेवल्स आराम से देखने को मिल सकते हैं, और मुझे लगता है मिलने चाहिए, क्योंकि देखिए जो इनके अभी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कल न्यूज़ आई थी कि देखिए राकेश झुनझुनवाला ने इनके 4 करोड़ शेयर सितंबर क्वार्टर में बाय किए हैं, तो ये भी देखिए एक पॉजिटिव खबर है शेयर के लिए। तो यहाँ पे मुझे लगता है दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आने वाली है टाटा मोटर्स के लिए, और आपको मुझे लगता है अच्छा मौका मिल रहा है यहाँ पर ख़रीदने का, तो यहाँ पर आप ख़रीद सकते हैं देखिए। और देखिए आने वाले टाइम में इनकी देखिए बोर्ड मीटिंग भी होने वाली है, 27th October को इनकी बोर्ड मीट होने वाली है, देखिए उसमें FY21 के रिजल्ट्स भी अनाउंस करने वाले हैं, और देखिए बहुत ज़्यादा उसमें भी देखिए मुझे लगता है एक्शन देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे मुझे लगता है दोस्तों ख़रीदने का अच्छा मौका मिल रहा है, और यहाँ पे टाटा मोटर्स को आप ख़रीदारी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए ब्रोकरेजेस हाउस ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हैं अच्छा इस पर इंटेंशन दिखाया है, और देखिए सब ब्रोकरेज हाउस ने इसको बाइंग की सलाह दी है। और मुझे लगता है कि दोस्तों देखिए जिस तरीके से अब गाड़ियाँ बिकेगी, क्योंकि देखिए ये त्यौहार का सीज़न आ चुका है, फेस्टिव सीज़न आ चुका है, यहाँ पे देखिए जो भी व्हीकल है वो बहुत ज़्यादा बिकती है यहाँ पे। देखिए मुझे लगता है यहाँ पे कि जो इनके गाड़ी के जो बिकने के वो जो अभी नए आएंगे, जो इनके व्हीकल सेलिंग के देखिए रिजल्ट्स आएंगे वो भी मुझे लगता है बेहतर होंगे, तो यहाँ पे आपको ख़रीदना चाहिए। इसके इंपॉर्टेंट एक बार लेवल्स बता देता हूँ दोस्तों आपको, इसके टेक्निकल्स की बात करें तो देखिए बाइंग चल रही है कि सेलिंग को देख लेते हैं सबसे पहले। देखिए लास्ट मिनट पर आप देखेंगे तो क्या हुआ है, लास्ट मिनट पर देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर देखेंगे 1 सेल 18 बाय ऑसिलेटर्स, 1 सेल 2 बाय मूविंग एवरेजेस ने दोस्तों 0 सेल 16 बाय किया है, तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है यहाँ पर। मुझे लगता है देखिए लो लेवल्स पर मिल रहा है, यहाँ पर नीचे मिल रहा है शेयर को, तो खरीदने में कोई भी देखिए बुराई नहीं है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए टाटा मोटर्स के अंदर। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा स्टॉक है, यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ भी देखिए कंसोलिडेशन जोन से मूवमेंट दिखा रहा है, बट मुझे लगता है जैसे ही कंसोलिडेशन जोन ब्रेक होगा इसका, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके देखिए एक बार रेजिस्टेंस बता देता हूँ दोस्तों आपको, देखिए जो रेजिस्टेंस है 131, 136, 144, अभी देखिए 130 पे आज आया था, 131 पे देखिए अगर आ जाता है शेयर तो फिर मुझे लगता है तेज़ी देखने को मिलेगी। फिर अगर देखिए 136 का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाएगा तो मुझे लगता है देखिए 144 तक, 145 तक इसमें शॉर्ट कवरिंग में देखने को मिलेगा। और फिर देखिए 155 आता है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, 155-150 के बाद जो आता है 155 जो रेजिस्टेंस होगा वो पहले भी यहाँ पे शेयर देखिए अटका है, अगर वो टूट जाता है तो फिर तो देखिए बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अदरवाइज आपको टाटा मोटर्स होल्ड करने की सलाह देता हूँ, और अगर अभी तक बाय नहीं किया है तो बाय भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।